प्यारे बच्चों, मैं ज्योति SDS विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चार हिंदी। कक्षा चार हिंदी अध्याय चार। अध्याय चार में है पहली उड़ान, जो कि हम लोग कुछ भाग पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है। आइए देखते हैं। उधर लोगों ने एक और प्रयास किया जिन्होंने उधर लोगों ने एक और प्रयास किया उन्होंने चिड़ियों की शक्ल का एक ढांचा बनाया जो आजकल के हवाई जहाज से मिलता है। उन्होंने चिड़ियों की एक शक्ल का एक ढांचा बनाया जो आजकल हवाई जहाज से मिलता जुलता है। इसमें कोई इंजन न था पर यह हवा में उड़ सकता था। इसमें कोई इंजन नहीं था पर हवा में उड़ सकता था। इसे ही आजकल ग्लाइडर कहते हैं। अमेरिका के एक नगर में दो भाई रहते थे, विल्बर राइट और आर्विल राइट। पहले का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था आर्विल राइट। उन्होंने जहाज का एक नमूना बनाया। यह था तो ग्लाइडर जैसा, पर इसमें पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा था। एक दिन हवाई जहाज मैदान में खड़ा था और दोनों भाई झगड़ रहे थे। एक कहता मैं पहले जाऊंगा और दूसरा कहता मैं पहले जाऊंगा। आर्विल ने एक सिक्का निकाला और हवा में उछाला। आर्विल जीत गया। आर्विल दौड़ता हुआ जहाज में चढ़ गया। उसने हैंडल को घुमाया और जोर जोर से पैंडल मारा। इंजन चलने लगा। हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगा। हवाई जहाज के पीछे पीछे भाग रहा था विल्बर। आर्विल जहाज को उड़ाने लगा और पीछे पीछे विल्बर भाग रहा था। कुछ लोग दूरी पर खड़े होकर के आश्चर्य से देख रहे थे। यह हवाई जहाज 12 सेकेंड बस ऊपर उड़ा। यह जमीन से केवल तीन मीटर ऊंचा उड़ा और इसने केवल 36 मीटर की यात्रा की। फिर यह रेतीली भूमि पर नीचे आ गिरा। यही थी केवल मनुष्य की सबसे पहली उड़ान। बाद में अनेक प्रयोग हुए और हवाई जहाज बना। वे लोग सचमुच में धन्य हैं। धन्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय। वो लोग सचमुच में प्रशंसनीय हैं जिन्होंने अपने परिश्रम तथा परिश्रम अर्थ होता है मेहनत, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। परिश्रम तथा अनुसंधान से मनुष्य के आकाश में उड़ने के स्वप्न को साकार किया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।